वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि पता है कि CSIR का एग्ज़ाम 6, 7, 8 जून को डेट अलॉटेड है और अभी करेक्शंस की विंडो भी ओपन हुई थी और होपफुली कि अगर किसी के कुछ मिस्टेक्स रह गए होंगे पर्टिकुलरली फॉर्म फिल करने में, तो वो अपने करेक्शंस विंडो पर जाकर के लॉग इन करके अपने चीज़ों को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी जैसा कि पता है कि सिर्फ लेस देन 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम पर आपको अपनी टॉपिक्स को सेलेक्ट करना और अपनी स्टडी में काफ़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और आपको बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना होगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरे होल सिलेबस को कवर करें और उसको आराम आराम से पढ़ते रहें। अभी आपको जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको रिवीजन करना होगा, उनको आपको पढ़ना होगा ताकि आप उन टॉपिक को पढ़ करके अपनी मार्क्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें CSIR के नेट के एग्जाम्स में। सो इकोलॉजी यूनिट नंबर 10 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरेज यूनिट फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन। सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पार्ट सी एज वेल एज पार्ट बी एग्जाम सेक्शंस ऑफ द CSIR नेट एग्जामिनेशन, राइट। सो आज की क्लास से हम लोग देखेंगे कि जो इकोलॉजी का सेक्शन है उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उन टॉपिक्स से कहां से किस टाइप से सवाल आपके बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। सो इकोलॉजी के यूनिट में आपका एक टॉपिक है, दैट इज द RNK सेलेक्शंस। ये क्या होता है और इनके क्या फीचर्स होते हैं, किस बेसिस पे इनको ये डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में लोग यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ RNK सेलेक्शंस एंड व्हाट आर द RNK सेलेक्टेड स्पीसीज एंड हाउ दे कैन बी रिकॉग्नाइज एंड हाउ दे कैन बी डिफरेंशिएटेड एंड व्हाट आर द पॉसिबल एग्जांपल्स। ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस एंड डिस्क्राइब हियर इन दिस वीडियो लेक्चर। सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशंस और कई बार ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि RNK सेलेक्शंस का मीन क्या होता है, तो what is the RNK selection, right? So basically reproduction is one of the unique feature for all the living beings. Reproduction जो है वो basically एक important features माना जाता है और reproduction के basis पे species को categorize किया गया। कुछ ऐसे स्पीसीज जिनके पास रिप्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, अपने लाइफ का और अपनी बॉडी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में रिप्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व कर देते हैं, उनका पॉपुलेशन उनकी जो प्रोजेनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन बहुत कम रेट से होती है और वो एक सर्टेन लाइफ टाइम को अचीव कर लेते हैं, मीन्स एज को अचीव कर लेते हैं, तब जाकर के उनमें रिप्रोडक्शन होता है, उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बहुत कम होते हैं। सो इन सारे पैरामीटर्स को लेकर के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बेसिस पे, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, अर्ली लाइफ में हो रहा है, लेट लाइफ में हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, पेरेंटल केयर ज्यादा है या कम है, इन सब सारे पैरामीटर्स को लेकर के ये सारे स्पीसीज को दो क्लासेस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, RNK सेलेक्टेड स्पीसीज। तो देखते हैं हम लोग कि RNK सेलेक्टेड स्पीसीज क्या है, किसका क्या क्या फीचर्स होता है, कैसे आप अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये वाला आपका आर है और ये वाला आपका के सेलेक्टेड स्पीसीज है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं, राइट। तो क्या है ये आर और इनमें कौन कौन से स्पीसीज हैं जो कि इनके कैटेगरी में आते हैं, इनका क्या क्या फीचर्स होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूसेस अर्ली, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन का जो फेज होता है वो बहुत ही अर्ली एज पे ही आ जाती है, मीन्स जल्दी से जल्दी जैसा ही उनका डेवलपमेंट हो जाता है तो उनका तुरंत वो पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देते हैं रिप्रोडक्शन में, उनको वेट करने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ वो लाइफ को अटेंड करेंगे। जस्ट लाइक आवर केस, हमारे केस में क्या होता है कि जब तक प्यूबर्टी नहीं हो जाती तब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बट ऐसे स्पीसीज में जो रिप्रोडक्शन की लाइफ होती है बहुत ही अर्ली आ जाती है, मीन्स वो एबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन्वेस्ट मोस्ट देयर एनर्जी इन द रिप्रोडक्शन और इस स्पीसीज के मतलब आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज होते हैं उनका अपनी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी वो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, राइट। मीन्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी उनका जो है वो जाता कहाँ पे है, रिप्रोडक्शन करने में, और ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा उनके हर टाइम पे मतलब ईच टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो नंबर ऑफ प्रोजेनी होगा वहाँ पे संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी, मीन्स पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बनेगी। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब अपने रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो उनका जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, ईच राउंड में बहुत ही ज़्यादा होंगे, और अगर ईच राउंड में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा होगा तो इनकी पेरेंटल केयर क्या होगी, बहुत ही लो होगी। तो नेक्स्ट टाइम पे आप यह देख सकते हैं कि इनका जो जनरेशन टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, कम से कम टाइम में ये फटाफट क्या करते हैं, साइकिल कंप्लीट करते हैं और रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। लिटिल और नो पेरेंटल केयर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द आर सेलेक्टेड स्पीसीज, दिस वन, दैट इज द लिटिल और मोर और नो
पेरेंटल केयर मींस इनके पास रिप्रोडक्शन करने की रेट तो बहुत हाई होती है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन पेरेंटल केयर नहीं होता है। मतलब अगर सपोज कीजिए कि वन टाइम पे इन्होंने 100 ऑफस्प्रिंग को क्या किया, प्रोड्यूस किया एक बार के जनरेशन में, तो इनकी पेरेंटल केयर इतनी लो होती है कि इस 100 में से मुश्किल हो सकता है कि 5 या 10 ऑफस्प्रिंग क्या हो बच पाए, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द क्या होंगे, डेथ हो जाते हैं। दैट मीन्स वॉट, ऐसे टाइप के स्पीसीज जो होते हैं वो एज अ पेरेंटल बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। मतलब उनका काम रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग बना तो देना होता है, लेकिन उस ऑफस्प्रिंग को मेच्योर होने तक के लिए प्रॉपर तरीके से जो प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन होते हैं ये सब प्रोवाइड वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, खर्च हो जाती है रिप्रोडक्शन करने में। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन जो इनका पेरेंटल केयर होगा मीन्स जो जितने नंबर ऑफ स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगे वो संख्या होती क्या होती कम होती है। बनते तो बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे लिखा है मेनी ऑफ स्प्रिंग इस टाइम दे रिप्रोड्यूसेस, जितनी बार वो रिप्रोड्यूस करेंगे उतनी बार नंबर ऑफ स्प्रिंग तो बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन उनमें से बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो पेरेंटल केयर है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ही लो होता है या तो ना के बराबर। रिप्रोडक्शन कर दिया, काम खत्म, वो अपना आप सर्वाइव करें मरे उनसे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और दे आर द अपॉर्चुनिस्टिक्स, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब कि जैसे ही इन क्लासेस ऑफ स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंटल कंडीशन जो सुटेबल मिलता है, तुरंत का तुरंत क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई अगर हार्श कंडीशन आ गया, कोई ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पर तो ये अपने आप को प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही सुटेबिलिटी आती है इन्वायरमेंटल कंडीशन की, तुरंत का तुरंत ये रिप्रोडक्शन करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक, मीन्स दे आर द लुकिंग फॉर अ गुड इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द रिप्रोडक्शन। ये हमेशा इस चीज़ के लिए तलाश में रहते हैं कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो इनके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल हो, तो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा बनते हैं, और अर्ली स्टेज में ये लाइफ रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, एज वेल एज रिप्रोडक्शन जो साइकिल होती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, दैट इज़ बाई इनकी साइज़ क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, स्मॉल बॉडी साइज। तो इनका जो बॉडी का शेप है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होते हैं, और इनका जो बॉडी होगा उनका क्या होगा, बहुत ही छोटे साइज का होगा। इसके बाद है यहाँ पे हाई फेकंडिटी। फेकंडिटी का मतलब होता है दैट इज द फर्टिलिटी पावर, मीन्स रिप्रोडक्शन कह सकते हैं उर्वरा शक्ति। फेकंडिटी दैट मीन्स कि इनके पास बहुत ही हाई रेट होती है रिप्रोडक्शन करने की, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाने की। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज, दैट मीन्स वॉट, दे जल्दी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, इनकी सारी मैक्सिमम एनर्जी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है, इनके पास कई सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं ईच जनरेशन में, शॉर्ट टाइम जनरेशन का होता है, लिटिल और नो पेरेंटल केयर होते हैं, दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इन नेचर, स्मॉल साइज होगी, हाई रिप्रोडक्शन रेट होगा। तो आपको अब तक तो दिमाग में आ ही चुका होगा कि ऐसा करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं या कौन से हो सकते हैं। सारे फीचर्स आपको दिएंगे किसके, दैट इज द माइक्रोब्स के। किसके दिए गए, माइक्रोब्स के। तो आपने देखा होगा कि जैसे बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया लगभग 30 मिनट में अपनी एक साइकिल क्या करती है, पूरी कर लेती है। तो मतलब अगर आपके पास एक ग्लास है और अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने सिर्फ एक बैक्टीरिया छोड़ा हुआ है, तो एक ग्लास भरने में इसको टाइम समय नहीं लगेगा, हर 30 मिनट के बाद क्या करेगा, डबल होता जाएगा, मीन्स एक से पहले क्या बनाएगा, दो बनाएगा, फिर दो से क्या बनाएंगे, फिर चार बनाएंगे, फिर चार से क्या बनाएगा, छः आठ बनाएगा, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो माइक्रोब जो होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है और उनके साइज बहुत छोटी होती है, कम टाइम पे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वो बनाते हैं, लेकिन बचने की संख्या मींस पेरेंटल केयर क्या होती है, ना के बराबर होती है। सो इस स्पीसीज के मींस आर सेलेक्टेड स्पीसीज में एग्जांपल कौन कौन सा आएगा, एल्गी, बैक्टीरिया, रुडेंट्स एंड मोस्ट इंसेक्ट, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, रुडेंट्स होते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, यहाँ पे आर सेलेक्टेड स्पीसीज के। सो CSIR के एग्जाम्स में आपसे सवाल क्या पूछेगा, बेसिकली आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्पीसीज आर सेलेक्टेड या के सेलेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आर का मतलब होता है हाई और आर का मतलब होता है इंक्रीज, राइट। जो जहां पे आपका हाई रेट या इंक्रीज नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द आर सेलेक्टेड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। और ये सब किस में होगा, एल्गी में, बैक्टीरिया में, रूडेंट्स में, मोस्ट इंसेक्ट्स में, ये सब एग्जाम्पल किसके, आपके आर सेलेक्टेड स्पीसीज की। होपफुली कि आप लोगों को आर एंड के सिलेक्शन क्या है और आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या है इसका मीन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे के सेलेक्टेड स्पीसीज की तरफ। तो बेसिकली जो अभी आपने पढ़ा है उनका जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनमें रिप्रोडक्शन का होना जो होता है वो लेट लाइफ में होता है, मतलब एक सर्टेन एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करने के बाद होता है,
दूसरा ये अपनी सेल्स का या अपनी बॉडी का जो है वो मैक्सिमम एनर्जी है वो पेरेंटल केयर में लगाते हैं, ना कि रिप्रोडक्शंस में। तो ये रिप्रोडक्शंस में इनपुट जो होता है इनका बहुत ही लिटिल एनर्जी होती है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे लिख रखा है पहला, दैट इज अ पुट लिटिल एनर्जी इन टू रिप्रोडक्शन, मीन्स कम से कम एनर्जी रिप्रोडक्शन में खर्च करते हैं। रिप्रोडक्शन लेट इन द लाइफ, और इनके लाइफ में रिप्रोडक्शन जो होती है वो लेट से होती है। फ्यू ऑफ स्प्रिंग, मीन्स एक टाइम के रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत कम होते हैं, एक दो तीन इस तरीके से हो सकते हैं। हाई पेरेंटल केयर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर फॉर द केसलेटेड स्पीसीज। इनके पास पेरेंटल जो केयर होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, लगभग 100%। मतलब अगर सपोज एक एलिफेंट है और उसने एक बच्चा अगर दिया है, तो उसके उस बच्चे का बड़ा होकर के वो कैपेबल हो रिप्रोडक्शन करने और अपनी लाइफ को पूरा जी पाए, इसकी पॉसिबिलिटी 100% बनती है एक बच्चे का ही। तो एलिफेंट अपनी लाइफ में बहुत कम बार रिप्रोडक्शन करती है, लेकिन जितने बच्चे देती है वो सारे बच्चे उसे सर्वाइव करते हैं और अच्छे तरीके से अपनी संख्या को मेंटेन करने रखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है लो फेकंडिटी। लो फेकंडिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन रेट की जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी, मीन्स छोटी, मतलब स्मॉल होगी। उनमें जैसे जिस तरीके से बैटरिया हर 30 मिनट में आपका रिप्रोडक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे साल, 2 साल, 4 साल का भी साइकिल हो सकता है रिप्रोडक्शन को करने के लिए। लार्ज बॉडी साइज, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल्स में एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स, ये सब एग्जाम्पल्स किसके, दैट इज द केस रिलेटेड स्पीसीज के। तो जितने भी हाईली ऑर्गेनाइज और जितने भी वेल डेवलप्ड या हायर ग्रेड के आपके एनिमल्स आप होंगे, उनको बेसिकली हम केस सेलेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि जो लोअर यूनिसेलुलर वाले टाइप के होंगे, जो कि सिंपल तरीके से होते हैं, उनको हम लोग आर सेलेक्टेड स्पीसीज भी रखते हैं। सो होपफुली कि आपको आर सेलेक्शन और केस सेलेक्शन का मीन क्या है ये समझ में आ गया होगा, जहाँ पे आपको बताया गया कि रिप्रोडक्शन और उनके फीचर्स के बेसिस पे स्पीसीज को कैटेगराइज किया गया, दैट इज आर एंड के सीरीज में, और उनके नाम पे उनके बेसिस पे इनको केस सेलेक्टेड और आर सेलेक्टेड स्पीसीज के नाम से जाना गया। होपफुली कि आपकी CSIR प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और अगर आप CSIR में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो MS बायोलॉजी ऐप पे आपको ये कोर्स ऑफर मिलेगा। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप वेब पेज पे भी क्या कर सकते हैं, लिंक क्लिक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको MS बायोलॉजी के यूट्यूब पे चैनल पे जाना होगा। वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो वेब पेज खुल जाता है, मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ पे दिया रहेगा। और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ मात्र 1000 रुपीज़ का है, और इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी जो है वो बेसिकली 1 ईयर तक के लिए है। तो अगर आप अभी परचेज करते हैं तो ये दिसंबर 2023 का जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी आपका क्या होगा, वैलिड होगा। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं, लाइक एज पूरा पेपर का एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर दे रखा है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसके व्यू ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा चारों ऑप्शन का, कि क्या उसका मीन है, क्यों वो गलत है और क्यों वो सही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 मिलती है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर MS बायोलॉजी के चैनल पर जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। नहीं पता कि कहाँ पे किस टाइम पे किसी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत हो और उसको मिल ना पा रही हो, तो आप इस इतना काम कर सकते हैं। आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।